दोस्तों मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, यस्टरडे के वीडियो में काफी लोगों के कमेंट इस तरह से जो मैंने रिमूव कर दिया कि मेहताब भाई ये एप्लीकेशन फेक है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है। क्योंकि मैं फॉलो में मुंह से बोलता हूँ कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, मिलियन डाउनलोडिंग है, 4+ रेटिंग के साथ है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, आपको नहीं मतलब ट्रस्ट हो रहा है, आप क्या बता कि यस्टरडे जो वीडियो देखा है या आप नहीं देखे है, तो कैसे करके एक एप्लीकेशन है राइट ना, CASHE राइट, उस एप्लीकेशन को आप थोड़ा अबाउट में जाके देखिए क्या कैसे एप्लीकेशन के अंदर में कहीं भी एनबीएफसी रजिस्टर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने कई बार अपने वीडियोस में लाइव प्रूफ के साथ पूरा लोन लेकर के किसी वीडियो में एंड तक मैंने करके दिखाया है। तो भाई देखिए, जब कोई एप्लीकेशन में मैं जब लाइव डेमो दिखा रहा हूँ कि बैंक में ट्रांसफर करके, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है यार कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसके लेकर के आप जो है उसे ट्राई ना करें या उसे अप्लाई ना करें। इसलिए आज के इस वीडियो में देख लीजिए, एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जो यस्टरडे की वीडियो बोल रहा हूँ उस पर लिखा होगा ऐसा, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, मतलब कैसे राइट। और ये एप्लीकेशन जो है वो एक जेन्युइन एप्लीकेशन है भाई, उसमें बहुत कुछ होता है, इंश्योरेंस भी है, तो भाई आपको पूछने की जरूरत नहीं है। वेल, इसलिए आज मेरे माइंड में आया, सबसे पहले मैं एनबीएफसी रजिस्टर्ड ये एप्लीकेशन है यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ इसलिए बता रहा हूँ। और जिसका लेंडिंग पार्टनर जो है इतने सारे हैं, मतलब ये सभी लोग जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं बाय एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक है, और यहाँ पे अलग अलग तरह के HDB फाइनेंस है, तो अलग अलग तरह की यहाँ पे कंपनियां हैं जो इनके थ्रू आपको जो लोन प्रोवाइड कर रहा है। और ये एप्लीकेशन जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, अगेन आई रिपीट, कभी भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैक्सिमम जो है एनबीएफसी रजिस्टर्ड लिखा हुआ ही रहता है, अगर नहीं रहता है तो भाई मैं लाइव अप्लाई कर रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। वेल, फाइनली यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है, मतलब टाइप ऑफ लोन है, यहाँ पे पर्सनल लोन है, शादी के लिए लोन है, यहाँ पे 2-व्हीलर के लिए, 4-व्हीलर के लिए लोन है, और भी यहाँ पे ट्रैवल लोन्स है, स्टूडेंट लोन है, मेडिकल इमरजेंसी लोन है, मतलब बहुत सारा लोन है। तो मतलब कि एप्लीकेशन एक तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जहाँ भी क्लिक करोगे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट इसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, मतलब आप देख पा रहे हो कि डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि एक जेन्युइन एप्लीकेशन है। ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, एप्लीकेशन के नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल रिंग प्रेस कीजिएगा, ताकि इस चैनल की आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर जाए और आप जो है अपने नेट के हिसाब से वीडियो को देख सके। कोई भी डाउट है, कोई भी मन में सवाल है, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको एलिजिबल क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठने के कारण लोन रिजेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एप्लीकेशन फेक है, यह एप्लीकेशन लोन देता ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, किसी के भी वीडियो देखो या कोई भी एप्लीकेशन देखो, अबाउट सेक्शन में जाइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कीजिए, मैं यहाँ पे बैग आ गया हूँ, उसके बाद ही जो है आप एलिजिबल हो तो जाकर के आपको इंस्टॉल करना है, देन आपको अप्लाई करना है, नहीं तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है कि आप इंस्टॉल कर दो, अप्लाई कर दो, रिजेक्ट हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है राइट ना। स्क्रीन ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल करके भी बताया है, 1,00,000 रुपये तक अमाउंट लोगे तो ये आपको 1,32,000 रुपये लेगा, और ये जो प्रोसेसिंग फीस प्लस जो है इसमें GST है, वो आपके उस अमाउंट से कट करके बाकी के पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे। एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आप इंडिया के होना चाहिए, 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए, 60 साल में तो सारी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और भाई 500+ सिटीज के अंदर में ये अवेलेबल है पूरे इंडिया के अंदर, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे लोन मिल जाए राइट ना। स्क्रीन और ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज है, थोड़ा सा मेंशन है कितने दिनों के लिए ये EMI के टाइमिंग रहता है, वो भी यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे मेन जो सीन है अब यहाँ पे है, इसके बाद ही जो अप्लाई कीजिए, पहले जो देखे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग था, हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे कह रहा है लो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, चेक करना है, KYC डॉक्यूमेंट देना है, पैन कार्ड वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, साथ में आपको इनकम प्रूफ बैंक के स्टेटमेंट भी ये भी होगा, और साथ में उसके बाद में यहाँ पे अप्रूवल के लिए थोड़ा देर ट्राई करेंगे, वेट करेंगे, उसके बाद जो है अगर अप्रूवल मिलता है तो कुछ ही टाइम्स के बाद में अमाउंट विल बी क्रेडिट टू योर अकाउंट, यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से ट्राई करना चाहिए। स्क्रीन थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊँ तो ये देख लिए महाराष्ट्र का कंपनी है, काफ़ी लोग कहते हैं कि मुंबई के जितने भी एप्लीकेशन यार लोन अच्छा दे देता है, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी ज़्यादा होती है, तो कैलकुलेशन में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो बता रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ मंथली है, और यहाँ पे देख लीजिए ठीक है ये एप्लीकेशन कितना से कितना लोन प्रोवाइड करता है, तो एक बार देखेंगे 24/7 है वो, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कभी भी
किसी भी जगह से अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम जगहों पे है। 5000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक अमाउंट 16-36% रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है अलग अलग टाइम्स में। एक बात और बता दूं, किसी एप्लीकेशन से ओवरड्यू अमाउंट चल रहा है तो यहां से लोन मिलना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि लोन ना मिले, ओवरड्यू अमाउंट है, ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। दे आर जो फाइंड आउट जो क्या है आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, अभी क्या चल रहा है, सभी कुछ इनको मालूम चल जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से टाई अप होते हैं। एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड है तो मतलब कि पता चल ही जाता है कि आपके क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। एप्लीकेशन के नाम की बात करूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये है एप्लीकेशन के नाम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसमें एज ए लोन पार्टनर हूँ, आपकी मर्जी। अगर कमेंट सेक्शन से अगर आप जा करके कमेंट करते हैं कि मेहता भाई मुझे इसमें नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं है, पहले ही मैं आपको बोला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो ही जाके अप्लाई करना है। अगर आ रहे हैं, अगर आपको ठीक है, इनकम के सोर्सेस हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, क्लिक कीजिए, डायरेक्ट लिंक आएगा अप्लाई करने का, तो वहां से आप अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन में लोगों की फीडबैक और रिव्यू भी देखेंगे, उससे पहले रेटिंग की बात करें तो 3.4 की रेटिंग है, तो मतलब कि ठीक है, यहाँ पे लोगों की बहुत अच्छा पब्लिक रिव्यू है। 1 करोड़ प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। यहाँ पे कुछ हिंट है जो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अवेलेबल 43 और यहाँ पे पहले से है जो यहाँ पे बता रहा है, बाकी की यहाँ पे कुछ मेंशन है, ये वो चीज मैं बता रहा हूँ जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए अपने बैनर के तले एप्लीकेशन में ये एक पोस्ट करता है। स्क्रीन ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे 4-5 स्टार की रेटिंग देखने को मिलेगा। स्क्रीन ऊपर करूँ और जो भी ये रेटिंग आपको देखने को मिल रहा है, ये सभी के सभी इंडियन रेटिंग है, ऐसा नहीं कि भाई ये परचेस किया हुआ रेटिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्रीन ऊपर लेके जाऊँ, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि भाई इन्होंने भी 5 स्टार रेटिंग दिया है। कौशल कुमार यहाँ भी इन्होंने 5 स्टार रेटिंग है और यहाँ पे सिंगल स्टार रेटिंग है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपको 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रीडायरेक्ट हो जाएंगे, पेज पे अप्लाई करेंगे। जाते जाते एक बात और भी बोलना चाहूँगा, खुद के माइंड में कोई भी आइडिया चल रहा है कि हम खुद भी जाके प्ले स्टोर से फाइंड आउट करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई करेंगे, तो ऑफकोर्स ऐसा कीजिए, लेकिन 4 स्टेप जो है मेजर अपने माइंड में सेव कर लीजिए, और वो है कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है या नहीं है, जिसे आप जो है जाके इंस्टॉल करने वाले हो अपने फोन के अंदर, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो 3.5 की रेटिंग है, 3.4 भी होगा तो भी चलेगा, लोगों की पब्लिक रिव्यू भी है वो देख लेना। एंड थर्ड नंबर से उसकी डाउनलोडिंग कितनी है, मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। अगर 10,000 डाउनलोडिंग या कोई क्रिएटर अगर आपको लाइव डेमो बता रहा है तो ही जाकर के आप उसे ट्राई करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि लोगों की फीडबैक, लोगों की पब्लिक रिव्यू क्या है, अगर वो अगर सही है तो यू कैन अप्लाई। और एक और चीज भी ध्यान में रखते हो तो और भी अच्छी बात है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार एप्लीकेशन के अबाउट में जाकर चेकआउट कर लेना, ताकि ये भी पता चले एप्लीकेशन जेन्युइन तो है लेकिन आप उसके मतलब ऑडियंस टारगेट में फिट बैठते हैं या भी नहीं, अगर नहीं बैठते हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। आई होप गाइस कि जो भी कुछ स्टेप मैंने बताया माइंड में आपको सब हो गया होगा। फिर भी किस तरह से आपके मन में सवाल है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाते जाते एक और बात भी याद दिला दूं कि भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी एप्लीकेशन का लिंक है जहां पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, ओनली केवाईसी और पैन कार्ड के बेस पे भी देने वाली अच्छी एप्लीकेशंस हैं। 3-5,000 फर्स्ट टाइम अमाउंट आपको दे देंगे, सिर्फ आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड में नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।